जॉन मेरे फर्स्ट और आखिरी क्रश हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. अरे जो मेरा पहला ऑनेस्टली रिएक्शन था, मैं बहुत आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज ओवरवेल्म्ड, आई वाज लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू एज माय सेकंड फिल्म. अक्षय सर ने फोन दिया, उन्होंने फोन एक टीवी पे आ रही थी शराब छुड़वाने की, कोई नशे छुड़वाने की कोई एड थी, उन्होंने फ़ोन लिया और उनको बोला हाय मेरी बहन बहुत नशे करती है तो उसके लिए कुछ दवाई दे दो. एंड अदर पर्सन डिडंट नो हु ही वाज टॉकिंग टू, बोल रहे हैं अपना नाम. इतने स्टार, बड़े स्टार होने के बावजूद कितने दिल से वो हर एक टेक करते हैं और कितनी मेहनत से वो करते हैं. Also, how he treats people around him. I've said this over and over again, and I really want to repeat it. And I love this about him, how he treats people around him. वो नहीं कॉल आता है, ऐसे ही सबको बॉम्बे में एक फिल्म करने के लिए नहीं बुलाते हैं. तो बेशक वो पढ़ रही है जो भी कर रही है, बट आई थिंक इसके नसीब में है ये, तो आप इसको जाने दो और इसको करने दो. हाय गाइस, दिस इज सादिया खतीब एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड नाउ. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. मैं हूँ पूजा पटेल और आज मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत हसीना है जिन्हें हम दी नेशनल क्रश ये कह सकते हैं, जिन्होंने मतलब एक फिल्म ऐसी की है जो बड़े पर्दे पर धमाका मचा दिया है. एंड मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि आप उनको देख के बोलोगे कि वाओ शी इज़ अ ब्यूटी. मतलब सादिया वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन. मतलब आते ही द नेशनल क्रश का टैग मिलना कैसे फील होता है ये सब? पता नहीं, मुझे तो अभी पता चला ऐसा हो रहा है. इट फेल्ट रियली नाइस. आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब इट्स वेरी स्वीट. फैंस का प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन मतलब आपकी पिक्चर तो आ ही रही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि मैंने पढ़ा है कि आप इंजीनियरिंग से डायरेक्टली एक्ट्रेस, मतलब इतना बड़ा चांस आपको मिला एंड इतना जो डिफरेंशिएट आपने किया, मतलब सीधा इंजीनियरिंग से एक्ट्रेस बने, ये कैसा था सफ़र? सो मैं पढ़ाई कर रही थी अपने कॉलेज में और फिर शिकारा हैपेंड. मेरी जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू जम्मू आई और उन्होंने मुझे ऑडिशन किया. और फिर जो मेरे डायरेक्टर साहब थे VC, उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया और फिर मैं यहाँ आ गई एंड आई डिड माय फर्स्ट फिल्म. आई तो कॉल इट अ प्रॉपर फेरी टेल काइंड ऑफ स्टोरी, बट हाँ अच्छा था, बहुत अच्छा था. बट देन हाउ रक्षाबंधन हैपेंड टू यू, मतलब किस कैसे हुई आपकी कास्ट? सो व्हेन आई डिड शिकारा, आनंद सर ने वो फिल्म देखी थी, उसके बाद मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी. और जब रक्षाबंधन हुआ तो ऑफिस से कॉल आया, उसके लिए ऑडिशन किया मुकेश सर के ऑफिस में. और फिर हाँ उनको, उन्होंने कहा कि वो चाहते थे मैं ये पार्ट प्ले करूं. बट सादिया आपसे जानना चाहेंगे, व्हेन यू केम टू नो कि ठीक है अक्षय सर भी इस फिल्म में है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? अरे जो मेरा पहला ऑनेस्टली रिएक्शन था, मैं बहुत आई वाज थ्रिल्ड, आई वाज ओवरवेल्म्ड, आई वाज लाइक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू एज माय सेकंड फिल्म, बिकॉज आई वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू रियली पिक माय, आई जस्ट वांटेड कि मेरी जो भी सेकंड फिल्म हो वो बहुत अच्छी हो, उसमें फैमिली ड्रामा हो, मतलब एग्जैक्टली व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ. सो व्हेन इट केम, तो आई वाज ओनली थैंकिंग गॉड, आई वाज जस्ट थैंकिंग गॉड फॉर इट. मैं सादिया हम लोग देखते हैं कि कई बड़े बड़े एक्ट्रेसेस भी मतलब अक्षय सर के सामने थोड़े से ढीले पड़ जाते, बट आपने कहीं ना कहीं कहा है कि नहीं, आई वॉज तो वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो ये कॉन्फिडेंस कैसा था? कॉन्फिडेंट नहीं, कंफर्टेबल, बिकॉज अक्षय सर इतना कंफर्टेबल फील खुद कराते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि आप इतने बड़े सुपरस्टार, वो बिल्कुल ऐसे घर की तरह, भाई की तरह, ऑन सेट तो ऑब्वियसली तो बिल्कुल घर का माहौल होता है और बहुत हमदर्दी और बहुत प्यार मोहब्बत से सबको ट्रीट करते हैं, तो ऐसा डर किस बात से लगेगा, वो इतने अच्छे हैं, मतलब हम तो पले बड़े हैं उनको देख के, और फिर उनके साथ काम करना तो टचवुड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. तो एक्सपीरियंस की बात, तो मतलब इतनी बड़ी फिल्म है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन मतलब एक ऐसा होता है कि सिबलिंग्स और जो भी रिलेशन होता है अपने सिबलिंग्स में वो बहुत अच्छा होता है. आपने भी मेंशन किया था कि योर ब्रदर इज़ वेरी क्लोज टू यू एंड बिकॉज ऑफ हिम यू आर देयर इन द इंडस्ट्री, वो पार्ट आप ज़रा इलैबोरेट करें. सो नॉट जस्ट माय ब्रदर, माय सिस्टर इज़ वेल, बोथ ऑफ देम आई एम एक्सट्रीमली क्लोज टू, बट मेरा छोटा भाई है तो मैं उसके पीछे भागती हूँ और मेरी बड़ी बहन है तो वो मेरे पीछे भागती है, तो ऐसा हम लोगों का केमिस्ट्री है. बिकॉज वेन शिकारा केम टू मी एंड जब VC ने पापा को फ़ोन किया और जब ऑडिशन सब हुआ, तो पापा क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतना उस टाइम पे हम लोग श्योर नहीं थे कि जाना चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट इट वॉज माई फादर वॉज अनश्योर. माई ब्रदर केम इन टू द पिक्चर एंड ही सेड कि यू नो यू शुड लेट हर गो एंड डू दिस फिल्म एंड वट हैज़ हैपन टू हर डजेंट यूजअली हैपन टू एवरीबडी. ऐसे ही सबको नहीं कॉल आता है, ऐसे ही सबको बॉम्बे में एक फिल्म करने के लिए नहीं बुलाते हैं. तो बेशक वो पढ़ रही है जो भी कर रही है, बट आई थिंक इसके नसीब में है ये, तो आप इसको जाने दो और इसको करने दो. तो मेरा ये मानना है कि, और मेरे पापा ने तब ये चीज़ कही थी कि अगर ये तुम्हारे नसीब में है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक पाऊँगा, और क्लियरली उन्होंने मुझे जाने दिया और वो कन्विंस हुए क्योंकि मेरे छोटे भाई ने मेरे पापा को कन्विंस किया. वेल अगर नसीब ऐसा हो तो वाह, मतलब
सादिया आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतलब फिल्म तो बहुत स्पेशल है ऑब्वियसली, बट आपका फर्स्ट टेक जो था अक्षय सर के साथ, वो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे, एक कैसा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट डे ऑफ शूट कैसा था आपका रक्षाबंधन का? हमारा पहला शॉट तो वही था जो ट्रेलर में है, जिसमें अक्षय सर का नाम है और जिसमें मैं ट्रे लेके आ रही हूँ, तो वो तो पहला था। बट नर्वसनेस, एक्साइटमेंट सब एक तरफ, हम लोग कैरेक्टर में, और इतनी खुशी थी कि इतना अच्छा किरदार निभाने को मिल रहा है और इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्ले करने को मिल रहा है और इतने अच्छे अभिनेता के साथ ये करने को मिल रहा है, तो उसकी खुशी अलग थी, एक्साइटमेंट नर्वसनेस सब साइड पे। आई विविडली रिमेम्बर, मतलब ट्रेलर हम सभी ने देखा, ट्रेलर देखने के बाद वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर द फिल्म, बट ट्रेलर में जितना आपका इनोसेंस दिख रहा है, जितनी आपकी मस्ती दिख रही है, कुछ सेट पर ऐसा हुआ है कि आपके बीच में बॉन्ड कैसा था, क्या चारों मतलब अक्षय सर पे भारी पड़े हैं सेट पर? हम सब चारों पांचों छह लोग जो थे, इंक्लूडिंग सात लोग, सबके सब इनफैक्ट, हम लोग साथ में लंच करते थे, साथ में डिनर करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते थे। अक्षय सर बीइंग अक्षय सर बहुत सारे प्रैंक्स करते थे, और दीपिका बहुत प्रैंक्स खेलती थी, दीपिका सहज, वी ऑल वर लाइक हैविंग अ ब्लास्ट। लाइक ट्रेलर लॉन्च पे भी सर ने ये चीज़ कही कि ऐसा लगा ही नहीं हम फिल्म बना रहे, ऐसा लग रहा था हम मस्ती कर रहे हैं, हम खेल रहे हैं। हमने इतनी सारी गेम्स खेली, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था टू बी वेरी ऑनेस्ट फिल्म करने का, कि हमको ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ सीरियस ना हो। द फिल्म हैज़ कम आउट, द ट्रेलर हैज़ कम आउट, इंडिकेटिंग सच गुड रिस्पॉन्स। अब हम सोचते हैं लाइक हमने सीरियसली बहुत काम किया, बहुत मेहनत करके ये किया, बट एट द सेम टाइम कितना दिल से, कितनी खुशी खुशी ये चीज़ किया, तो वो तो बहुत मेमोरीज हैं। आई मीन सादिया, एज यू मेंशन अबाउट प्रैंक्स, तो कुछ ऐसा एक मेमोरेबल प्रैंक आप शेयर करना चाहोगे जो आपके साथ अक्षय सर ने किया होगा? बहुत सारे मेमोरेबल प्रैंक्स हैं, बट आई कैन ओनली थिंक ऑफ वन, नॉट अ प्रैंक, नॉट वॉज ऑन मी, एक मोमेंट मुझे याद आ रहा है। हम लोग सब वैनिटी में बैठे हुए थे और टीवी पे एक ऐड चल रही थी, वो जो एड्स नहीं होती हैं जो नशे की छुड़वाती हैं, तो अक्षय सर ने फ़ोन लिया, उन्होंने फ़ोन, एक टीवी पे आ रही थी शराब छुड़वाने की, कोई नशे छुड़वाने की कोई ऐड थी, उन्होंने फ़ोन लिया और उनको बोला, हाय मेरी बहन बहुत नशे करती है तो उसके लिए कुछ दवाई दे दो। एंड अदर पर्सन डिडंट नो हू ही वाज टॉकिंग टू, वो बोल रहे हैं अपना नाम, सब बोल रहे हैं सर गायत्री ये वो, बट उनको क्या पता वो उस टाइम पे अक्षय सर से बात कर रहे थे। सो दैट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल वन। ऑल्सो सारे, यू आर वर्किंग विद भूमि पेडनेकर ऑल्सो, भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार की जोड़ी आप सभी को पता है, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था और क्या सीखने मिला है आपको एज एन एक्ट्रेस? मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला सबसे, भूमि के साथ काम करना जेनुइनली बहुत अच्छा था, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग और सिंसियर एक्टर हैं। अक्षय सर से ये सीखने को मिला कि वो कैसे आसपास अपने लोगों को ट्रीट करते हैं, वो तो हैं ही बहुत कमाल के एक्टर और सब उनकी तारीफ में जितने शब्द कहूँ कम है, बट एज एन एक्टर इन सबसे ये सीखने को मिला कि हाउ सिंसियर दे वर टुवर्ड्स देयर वर्क, एंड ऑल्सो इतने स्टार, बड़े स्टार होने के बावजूद कितने दिल से वो हर एक टेक करते हैं और कितनी मेहनत से वो करते हैं, ऑल्सो हाउ ही ट्रीट्स पीपल अराउंड हिम। आई हैव सेड दिस ओवर एंड ओवर अगेन एंड आई रियली वॉन्ट टू रिपीट इट, एंड आई लव दिस अबाउट हिम, हाउ ही ट्रीट्स पीपल अराउंड हिम, हिज पीपल अराउंड हिम, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सादिया, जब बात आती है फिल्म की, तो इट वॉज फर्स्ट विद विधु विनोद चोपड़ा एंड नाउ इट इज़ विद आनंद एल रॉय, तो मतलब वी वॉन्ट टू सी यू इन मोर फिल्म्स, तो आगे आपका ऐसा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है या फिर इस डायरेक्टर के साथ आपको काम करना है? मुझे तो अच्छे अच्छे सभी डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, मेरे तो बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि बहुत सारे बाबा, मैं भी कितने, इम्तियाज अली मुझे बहुत पसंद है, संजय लीला बंसाली, राजकुमार हिरानी, कितने हैं और कितने दिग्गज डायरेक्टर्स हैं। आई होप इंशाल्लाह मुझे इन लोगों के साथ काम करने को मिल जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सादिया, मैंने ये भी पढ़ा था कि शाहरुख इज योर फेवरेट एक्टर ऑल्सो, माइंड फेवरेट टू, यस, बट देन यू ऑल्सो समवेयर मेंशन कि जॉन आपके फर्स्ट क्रश है, इज इट सो? जॉन मेरे फर्स्ट और आखिरी क्रश हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जॉन एब्राहम इज माय लाइक, मेरे बचपन के कबीर है वो, मतलब मैंने वो जब धूम में देखा था हार्डली फोर्थ स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड, आई डोंट रिमेम्बर कितना, और वो जो कबीर कैरेक्टर था जॉन सर का, well I remember when I met him, so I was shivering, I was literally shivering. Oh yes, met him, we would love to know that. So I go for meetings, whenever I go for meetings, मैं कभी भी किसी भी star को देख के इतनी starstruck नहीं हुई हूँ, but when I met him, I still remember, मैं ऐसे table पे बिल्कुल fidgety, clumsy, इधर से उधर हो रही थी और बहुत nervous थी, and I couldn't even tell him that he has no idea what, how much I have, you know, loved him all my life, his work, his charm, everything.
He has always been my favorite. But then, अगर आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला तो which film would you love to? I would love to any film. Why not? सोने पे सुहागा, निकी और पूछ पूछ. सादिया, हर एक एक्टर को, हर एक एक्ट्रेस को अपनी हर एक फिल्म इम्पॉर्टेंट होती है. तो इस पूरे फिल्म शूटिंग के दौरान एक इमोशनल सीन्स बहुत रहे होंगे. तो एक ऐसा कोई सीन आपके लिए जो बहुत इमोशनल कर दिया आपको, कि कट करने के बाद भी आप बहुत इमोशनल रह गए, ऐसे कुछ? ये तो मैं बताऊंगी आपको फिल्म रिलीज के बाद. अच्छा. ये तो मैं फिल्म रिलीज के बाद ही बताऊं. एनी डिफिकल्ट सीन यू वुड वांट टू शेयर? नो, देयर वाज नो नथिंग. बहुत स्मूथली हो जाता है. एक बार आप कैरेक्टर में घुस जाओ एज एन एक्टर ना, आपको फिर सब स्मूथली हो जाता है. आपकी वो शुरू के एक दो दिन होते हैं जब आपको समझना होता है कि क्या कैरेक्टर है, क्या करना है. फिर एज एन एक्टर आपका काम है, मतलब देन तो यू फ्लो इट. ऐसे कोई ऐसा डिफिकल्टी एटलीस्ट मुझे सेट पे नहीं हुई. हाँ, नहीं हुई. देन फिल्म रक्षाबंधन है आपके लिए, रक्षाबंधन ये त्यौहार, ये फेस्टिवल, ये इमोशन कितना मायने रखता है? मेरी जान है मेरे भाई और मेरी बहन, तो मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है. मतलब मैं अपने भाई बहन के बिना रह नहीं सकती. मेरी बहन की शादी की बात चलती है तो मैं घर पे ऐसे होती हूँ कि नहीं. मेरी माँ इज़ लाइक, तू बीच में आती है हमेशा. मतलब मेरे को नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी बहन मुझसे दूर जाए. यार ये रिश्ता सबसे प्योर होता है, ये बहुत सेल्फलेस रिश्ता होता है. दादी, अपने फैंस को, अपने मतलब नेशनल क्रश तो आप है ही, एंड पीपल आर डाइंग टू वॉच यू इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. फैंस जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं और रक्षाबंधन के रिलीज के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी. जब से ट्रेलर आया है, जब से सॉन्ग रिलीज हुआ है, आप लोगों का प्यार मुझे बहुत इमोशनल और बहुत ओवरवेलम कर चुका है और मुझे बहुत इनक्रेज कर रहा है, बहुत मोटिवेट कर रहा है टू डू मोर वर्क. आई एम ओनली एंड ओनली थैंकफुल टू यू. आई स्वेयर आई रीड मैसेजेस, आई रीड DMs, आई नो ऑल द फैन पेजेस दैट आर नाउ देयर. मैं सब चेक कर रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ, और सिर्फ देखते देखते मैं सब शुक्र करती हूँ कि थैंक यू गाइज. आई रियली होप दैट यू गाइज लाइक दिस फिल्म एंड आई होप यू गाइज वॉच इट इन थिएटर्स ओनली. एंड या, प्लीज़ कीप द लव कमिंग. Well, जैसे कि सादिया ने कहा कि वो हर एक मैसेजेस रीड करिए, तो प्लीज उन्हें मैसेज किए और अपना प्यार जो है, प्लीज इमोशन जो भी है, सादिया को मतलब ढेर सारा प्यार दे. सादिया, दिस वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड मतलब बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा, जेन्युइनली बहुत अच्छा. सो ऑल द बेस्ट फॉर रक्षाबंधन एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, एंड आई होप कि आगे और मिलते रहे और बहुत सारे इंटरव्यूज करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच बाबा.